शांति दीदी, बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो, लेकिन बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर देते हैं। देखो आज बाबा समझाते हैं कि मानो एक बारी आपको समाचार सुनाया, आपको भी बहुत अच्छा लगा, नई बात है, ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया। लेकिन अगर एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरे बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा, क्योंकि आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन गए ना। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना, इसलिए या तो उसको समझाओ, ऐसी बातों से उसको भी मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ, लेकिन अगर सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो। अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो। इतनी पावर आप में है तो यह सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना हुआ। लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। और कुछ भी नहीं होगा तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, भारीपन होगा। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।